कृष्णानंद जी को प्रणाम करता हूँ, मैं उनकी परम पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने मंच को प्रणाम करता हूँ। साथियों, एक वक्त वो था कि मैं भारत माता की जय नहीं बोल पाता था। क्यों? हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, जो भारत माता की जय बोलता था उसको कारागृह में डाल दिया जाता था। साथियों, आज हम स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, आज हम भारत माता की जय अच्छी तरह से बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं अपने मन में कि हम पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं हैं। क्यों? कि आज भी हमारे देश में ये टैक्स, टूल टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, जो भी टैक्स लग रहे हैं, ये सारे अंग्रेजों के बनाए हुए नियम हैं। लेकिन अंग्रेज तो यहां से चले गए, लेकिन अंग्रेजों के जो बनाए हुए नियम है वो आज भी लागू है। कविता हमने आपने सबने पढ़ी होगी, कहाँ कर रहे हैं? मुझे आजादी बिना खड़ग बिना ढाल और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमारे देश में अंग्रेज जब शासन करने के लिए आए थे तो उन्होंने ये संकल्प किया था कि मैं देश में 400 वर्ष तक राज करूंगा, लेकिन मित्रों खो बीच में चले गए। आप एक बात बताओ, क्या आजादी हमें बिना खड़ग और बिना ढाल के मिल सकती थी? नहीं, कितने बलिदान करने पड़े। एक कवि ने लिखा है कि गांधी तेने तई आजादी चला चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरका। मित्रों, चरखा चलाने से आजादी नहीं आई, भारत माता की जय बोलने से आजादी नहीं आई। भगत सिंह की माँ का नाम कोई बता सकता है? भगत सिंह की माँ का नाम था विद्यावती। भगत सिंह की माँ का नाम था विद्यावती। भगत सिंह के पिता का नाम था, भगत सिंह के चाचा का नाम था सरदार अजीत सिंह। भगत सिंह के दादा का नाम था सरदार अर्जुन सिंह। भगत सिंह के परदादा का नाम था सरदार फतेह सिंह। साथियों, चार चार पांच पांच पीढ़ियों ने हमारी भारत माता की बहुत रक्षा की है। इतने दिनों के बाद आज हम सरदार भगत सिंह को याद करते हैं। गांधी तेने तई आजादी, गांधी तेने तई आजादी चला चला के चरखा, आजादी को लाने वाले गोदी में खिलाना चाहती थी, लेकिन बेटा भगत सिंह तू आज 23 वर्ष की उम्र में मुझे छोड़ करके जा रहा है। साथियों, भगत सिंह जेल में बंद है, मां से कह रहे हैं, मां अरे घर जा करके ऐसा माहौल करना कि तेरे भगत की शादी है, जा घर जा करके दुनिया वालों को ये बता दे, दुनिया को ये संदेशा दे कि तूने किसी शेर को जन्म दिया है। शेर को नहीं माँ, तू भी तो एक अति शेर नहीं है। विद्यापति डराती है, डरा करके अपने आंगन में ढोलक बाजे चिमटा लेकर के बैठ जाती है, गीत गाने लगती है, पाड़ पड़ोसन को बुलावा भेजती है, आओ बहन गीत गाएंगे, मेरे भगत सिंह की शादी है। दोस्तों, पड़ोसन आती हैं और कहने लगती हैं कि विद्यापति
तुझे क्या हो गया, तेरे भगत सिंह को तो फांसी हो रही है, तू गीत गा रही है। माँ विद्यावती कहती है कि नहीं, फांसी आपकी नजरों में हो रही है, मेरी नजर में तो कुछ और हो रहा। क्या हो रहा है? माँ विद्यावती कह रही है देश में बर्बादी है, लानी अब आजादी है, आओ बहनों गीत गाए मेरे।
चढ़ाने को बरातियों का। मित्रों पड़ोसन कहने लगी कि विद्यावती ये बताओ कि मैंने ये मान लिया कि तुम्हारा भगत दूल्हा है, बारात जा रही है, उसकी बारात में राजगुरु सुखदेव आज जा रहे हैं, पर ये तो बताओ कि उसका जो शादी हो रही है उसकी दुल्हन कौन है, किसके साथ में शादी हो रही है। मित्रों सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगा। पड़ोसन कहने लगी विद्यावती ये तो बताओ कि भगत की शादी तो हो रही है, उसका पंडित कौन है, विवाह करने वाले पंडित का नाम क्या है। पंडित का नाम शायद आपको मालूम नहीं होगा, पंडित का नाम था नाथ। नाथू नाम के जितने भी व्यक्ति होंगे शायद है कि वो अच्छे नहीं होंगे। नाथू ने हमारे विद्यालय में उद्यम किया, बस नाथुराम गौड़ को महात्मा गांधी को गोली मारी और जिस भगत सिंह को फांसी दी गई थी वो भी नाथू ही थे। ढोलक मारे ढोलक मारे देगा नाथू।